2 मिनट बात कर सकते हैं? पर सिर्फ 2 मिनट? हाँ 2 ही मिनट, क्योंकि मुझे बैंक जाना है और मैं 2 मिनट में निकलूंगी। नहीं नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम कर सकती हो। देखो अच्छा, ये कोई ऐप है क्या? मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने कर दिया। कितनी जल्दी हो गया, मैं जीनियस हूँ क्या? वैसे आप क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम कर रहा था, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एकदम डिटेल में। एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया, आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, सी यू। ओके सनम, बात तो सुनो, बात करनी है तुमसे सनम। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे। हाँ तुम्हें पता है तो बता क्यों? हाँ हाँ पता जी, बताओ ना। दोस्तों वो ओपेरा हॉल में आए थे, काला सूट पहने हुए थे, हो सकता है उनको लगा कि कोई परफॉर्मेंस हो गया हो वहाँ। हाँ तो बताओ ना, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या चल रहा है आखिर? सवाल सवाल, लेकिन किसी को जवाब ही नहीं चाहिए किसी को, सबके सब चुप रहो। क्या हुआ? हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कल रात की पार्टी के बारे में। सनीम तो आधे रास्ते में ही उतर गई थी, आई ही नहीं। हाँ वो मैं जेजे को हेल्प करने ओपेरा हॉल चली गई थी, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं? हाँ सनम वहाँ आई थी, उसने मेरी मदद की, हमने सब काम साथ में किया है ना सनम। हाँ लेकिन तुम अचानक गायब हो गई थी, तुम कहाँ गई थी सनम, मुझे बता भी ना। तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम चुप नहीं रह सकते? अगर तुम मुझे काट करती तो पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? डैरन, जेजे, गुलिस, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जाकर चेक करो। सब अपना अपना काम खत्म करो, जल्दी मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ चलो सब काम करने जाओ। कल रात कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी बताओ तो जरा। लैला, मैंने वो टार्टरियन मीटबॉल्स बनाए थे ना, उन्हें लेकर मैं मिस्टर जान के घर चली गई थी, और उसके बाद मैं पार्टी भी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे वहाँ जाकर गुस्सा भी आ सकता था, इसलिए मैं जेजे की हेल्प करने गई। मुझे और सवाल नहीं करने, बस करो। वैसे भी मैं कई चीजों की वजह से गुस्से में हूँ। सब ठीक तो है ना? बाद में बताऊंगी तुमको, जरूर बताऊंगी तुमको। तुम मुझे बता सकती हो? चिंता मत करो, तुम मेरा मन होगा तो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में पक्का बताओगी ना मुझे? मेरी मर्जी सने, मेरी मर्जी, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, जब भी तुम्हें बताना हो तुम बताना, ओके? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे बात करना, ओके प्लीज। ओके गाइस, चलो हम लोग ऑर्गेट की शूटिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप सब तैयार हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। जजे ओपेरा हॉल पूरा तैयार है ना? हाँ हाँ मिस्टर जान, अगर आपने मुझे भगाया ना होता तो कल और भी जल्दी ये हो जाता। कस्टमर्स वहाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, तब तक हमें सब कुछ फिनिश करना होगा और रेडी हो जाना पड़ेगा। देखो ये एक बहुत ही सिंपल शूट होगा। सनम, तुमने उस्मान को कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, फिर से करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, सब अपने अपने काम पर वापस जाओ। मिस डेरेन, यस, अगर उस्मान पार्ट ले रहा है तो मैं भी रहूंगी ना फोटो शूटिंग के लिए, क्या मैं मिस आइलैंड को फोन करूं? ओके, मुझे ये बताओ कि तुम आइलैंड को कॉल क्यों करोगी? गुलिस, उन्होंने कहा था कि अगर एक्टिंग में प्रॉब्लम हो तो बुलाना, बस इसीलिए। तुम किसकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो गुलिस? किसके लिए? तुम्हारा बॉस कौन है बताओ? आज के बाद मुझे उसका नाम नहीं सुनना, समझ गई तुम? उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो। मिस्टर जान, हमें सिंपल शूटिंग में आइलैंड की कोई जरूरत नहीं। वो आ गई। लेकिन कैसे? ओ, मेरे बारे में बात हो रही थी, क्या टाइमिंग है ना? देखो ऑर्गेट मेरे भी कस्टमर हैं और मेरे लिए सारे कस्टमर्स एक जैसे हैं, तुम्हें उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करना होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। वेल, तो हम चल रहे हैं ना? तुम थोड़ा जल्दी आ गए तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर तुम सीधे सेट पर जा सकती हो। मैं एमरे के केबिन में वेट करती हूँ। उसे कोई और काम नहीं है, हमेशा मिस्टर एमरे के पीछे पड़ी रहती है। मिस्टर जान, क्या आपने चेक किया वो एमरे के कैबिन में क्या काम करती है? There are no personal comments. जे, ये कैमरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रेम के हिसाब से तुम्हें लेंसेज भी अरेंज करने होंगे। ओके ठीक है, ये बैग भी लो अपने पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। जे जे,
इसकी अच्छे से ध्यान रखना, इस कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत स्पेशल कैमरा है, मिस्टर जान हमें नहीं छोड़ेंगे, ओके? लेकिन इस कैमरा को बहुत संभाल कर रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मिस्टर एरन, ये सब सुनकर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपने ये बात मुझे क्यों बताई? मुझे स्ट्रेस आ गया, मैं मर जाऊंगा, बहुत स्ट्रेस है मुझे, ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अब तुम पैनिक हो गए हो ना जेजे? क्या मतलब? बस मैं यही चाहती हूँ, तुम पैनिक हो गए हो, अब तुम सही तरीके से काम करोगे, अब जाओ, उस आइलैंड से दूर रहना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, जाओ अब काम पर लग जाओ। मैं कुछ बोलूँ क्या? वो लोग एनिवर्सरी के दिन पार्टी में कैसे झगड़ रहे थे, अचानक इस पॉइंट तक कैसे पहुँच गए ये सब, अब मिस्टर एम्ब्रे के कैबिन में वेट करिए, है ना? ये आज का सब्जेक्ट है क्या गुलिस? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सही कहा तुमने, पागल है। फोन उठाओ। क्या करूं, कहीं टेलीफोन, अरे बार बार बचा, अरे बाप रे। हेलो, हाय जेजे, कैसे हो तुम? हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ आयान, मैं जरा कैमरे के बारे में सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे एक सही जगह देखने दो इसको रखने के लिए। क्या, कौन सा कैमरा? मैं कुछ समझी नहीं जेजे। हाँ वो जाने दो, तुमने कॉल क्यों किया था ये बताओ। अच्छा तो मैंने इसलिए कॉल किया कि मेरा लाइफ कोचिंग का स्केड्यूल बहुत ज्यादा ही बिजी है, तो मैं ये पूछने वाली थी कि तुम कब अवेलेबल रहोगे या फ्री रहोगे। हाँ, तुम ठीक तो हो ना जेजे? ये औरत पता नहीं ऐसी क्यों है, हमेशा ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, हमेशा इसकी नजर मुझ पर ही रहती है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी कहीं ऐसे ही ना कट जाए। कौन सी औरत, तुम किसकी बात कर रहे हो जेजे? आयान, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ, शायद ना भी करूँ, बिजी हूँ मैं बहुत ज्यादा, ठीक है तो प्लीज माफ करो। फोन काट दिया। कौन है वो औरत, मुझे जानना ही होगा। डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना, आगे बढ़ते हैं। ये पागल औरत अभी भी वही है, एक नंबर की पूरी पागल, आखिर इसने मुझे हाँ क्यों मारी होगी? हाँ पागल है कहीं, कोई गेम तो नहीं खेल रही, कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि उसने मुझे हाँ मारी, आखिर वो पागल। हाँ ये अच्छे हैं, इन्हें प्रिंट करने के लिए भेज दो जल्दी, जितनी जल्द हो सके उतनी। मिस जैरन, सनम ने सारे कॉस्ट्यूम अरेंज कर दिए हैं, मैंने लाइट्स अरेंज कर दिए, पूरा क्रू सेट पर जा चुका है और अब आपका इंतजार हो रहा है। जेजे, हाँ वहाँ देखो क्या, आइलैंड ने गुलिस का ब्रेन वॉश किया है ताकि गुलिस उसकी बातें सुने और वो उसके लिए काम करे। आप सच कह रही हैं, मैं देखता हूँ इसको, देखो तो कैसे कर रही है। कैसा किया है मैंने, पसंद आया आपको? तुमने सच में बहुत अच्छा किया, यू वर वंडरफुल, तुम स्टार बन सकती हो, लीडिंग एक्ट्रेस बन सकती हो। क्या सच में तुमने कहीं से एक्टिंग सीखी है क्या? नहीं मैं बहुत पढ़ती हूँ, बस सीखी नहीं है मैंने कहीं। अब हमें ही कुछ करना होगा चेचे, वरना ये औरत इस कंपनी को बर्बाद कर देगी और इसके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है इसका अगला शिकार तुम हो चेचे। कौन मैं? मिस जैरन, मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, वो एक पल में मुझे मना कर सकती है, अब हम क्या करेंगे? मैं अपनी जगह चेंज कर दूंगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मिस जैरन, मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता, प्लीज आप हेल्प कीजिए। घबराओ मत जेजे, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे वो मुझसे डरेगी, और ये प्लान एक सीक्रेट प्लान होगा। हाँ ठीक है मिस जैरन, मैं समझ गया, हम कुछ प्लान बनाते हैं, मैं उसके साथ फिर कभी काम नहीं कर सकता, मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेरन चलना नहीं है क्या? श्योर चलेंगे हम आइलैंड, तुम मेरे साथ रहो, कहीं जाना मत, ओके? जीजी क्या तुमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? तुम्हारे शोल्डर्स बहुत मजबूत हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच मिस डेरन। मिस डेरन, मिस डेरन, हाँ
मैं आपको डबल फीस देती हूँ, ये सब गलत है, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अब ये फोन काट दिया, ये सारी मेरी गलती है। अगर मिस्टर जान ने सुन लिया तो वो हमें मार डालेंगे। वैसे भी ये बहुत रेयर कैमरा है, पूरे इस्तांबुल में सिर्फ एक ही आदमी इसे रिपेयर कर सकता है। मैंने उसे कॉल भी किया, वो दो हफ्ते से बिजी है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो सोच के इतना घबरा रही हूँ। हाँ मिस जेरन, मैं जानती हूँ। नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, खेल नहीं रही। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, जॉन का कैमरा टूट गया। आई होप तुम्हें पता है कि ये उसका फेवरेट कैमरा था। तुम्हें कोई आइडिया है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा ये मुझे नहीं पता। मैं बता दूंगी कि मिस्टर जान का कैमरा टूट गया है और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गई? ओके गाइस, क्या हुआ? मिस्टर जान, कैसे बताऊं आपको? मिस्टर जान, सनम, मिस्टर जान, तुम रो रही हो? मिस्टर जान, मैं वो कैमरा लेकर दौड़ते हुए आ रही थी और मेरे हाथ से वो कैमरा नीचे गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। आई एम सो सॉरी मिस्टर जान, ये टूट गया है। दिखाओ। अरे नहीं, बैटरी है। और ये स्टफ, ओह माय गॉड, अब क्या करें? और ये एक छोटी सी चीज है, लेंस। तुम्हें इतना भी नहीं पता हो? ये एक और पीस है कैमरे का। ओह नो, डेरन। हाँ, तुम पूरे क्रू को लेकर सेट पर पहुंचो अभी। ओके। मैं इसे रिपेयर करके ज्वाइन करता हूँ। पर कैसे मिस्टर जान, क्या आप रिपेयर कर सकते हो? सिर्फ एक ही आदमी है जो रिपेयर कर सकता है इसे, मैं जानती हूँ। मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ डेरन, और तुम प्लीज क्रू को लेकर सेट पर जाओ। ओके। सनम, मिस्टर जान, मुझसे मेरे केबिन में मिलाओ अभी। बाय बाय सनम। क्लमजी होने से यही होता है, अब मैं तो इसे बचा भी नहीं सकती। जाओ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हाँ, कोई बात नहीं। शूटिंग टीम, प्लीज मेरे साथ चलो, अब मुझे कोई और क्राइसिस नहीं चाहिए, मैं इसे नहीं झेल सकती, समझ गए तुम लोग? चलो मेरे साथ अपने काम पर लगो। तुम देखना क्या होगा। कितने कितने आराम से उसे नौकरी से निकालने के लिए कितने प्यार से बुलाया, देखा ना तुमने? ये उसका फाइनल वॉक था, हमने वही देखा जिसका हम सबको डर था, फायर होने का। वो उसको यहाँ भी फायर कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके रूम में आए। मैं तो यही फायर कर देता, कैमरे के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैंने उनको छिपा लिया।